साथियों, अभी हम तमनार विकास खंड के ग्राम बरबाहली में हैं, जो बड़गांव का आश्रित ग्राम है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, हाथियों से सुरक्षा के उपाय जो हैं, ये सरकार ने जगह जगह लिख के रखा है। और यह गांव पूरी तरीके से हाथी प्रभावित है। एक तरफ हाथियों के लिए लाखों रुपए खर्च करता है और दूसरे तरफ EIA में सारे उद्योगों के खदानों के जब मंजूरी होती है तो यहाँ जानवर नहीं पाया जाता कहा जाता है। इन दोनों में से सच क्या है, इसको जानने के लिए मैं यह वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र की रहने वाली हूँ। क्या हुआ इस मकान में, ये काहे ऐसे फट गया है भरे बरसात में? नहीं, वो हाथी आए थे और तीन हाथी आए थे, एक हाथी उसको मारा और फिर अपवाच निकल गया है। प्यारी यादों का मकान है। 40-50 तो हाथी आते हैं, डेली आते हैं जंगल किनारे किनारे। अभी बीच में एक बेनीपाट के सामने जंगल है, वहाँ पे मार दिया पटक के। उसका फर्श पर कोई मुआवजा वाजा दिया है? 10,000 का बताया था और 2,00,000 रुपया बाद में दूंगा ऐसे बताया था। हमार गाँव वाला हाथी एकर बार घुसत है कि उद्योग है, बड़े बड़े फैक्ट्री है, कोल कारखाना मन है, एकर चलते ओकर घर उजड़ जाते है, जंगल उजड़ जाते है, एकर कारण पर ही बस्ती ला घुसत है। कम से कम आज 40-45 साल हो गए हम हाथी ला देखे पर नहीं मिलत रही से। लेकिन हफ्ता में आज कम से कम 30-40 हाथी हर हफ्ता भैंसगढ़ी ला पहुँचाते। हमारे यहाँ उद्योग फैक्ट्री और ना बनाए, जो जितना बन गया है बन गया है, नहीं तो बड़े जानवर और ज्यादा संख्या में आएंगे। लेकिन हाथी अब उत्पाती हो गए हैं। हाथी यहाँ पे लोगों के फसलों के साथ साथ इनका हत्या भी करने में उतारू हो गए हैं। और इनकी मांग है कि यहाँ को हाथी रहवास क्षेत्र यानी कि हाथी कॉरिडोर घोषित कर दिया जाए, ताकि कोई भी अन्य उद्योग कंपनी खदान के नाम से गांव ना उजाड़ा जाए। पहले भी केलो बांध परियोजना से प्रभावित यह गांव है और यहाँ पे के लोगों के सारे कृषि की जमीन केलो बांध परियोजना की बलि चढ़ चुकी है। इसके बावजूद गांव वाले गांव को अपने जन्मभूमि को छोड़ने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर गांव वाले इस बड़े जानवर के ऊपर अगर सामूहिक रूप से हमले कर देते हैं तो वन विभाग इनको आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत। लेकिन ये दिन दूर नहीं जब जंगली जानवरों और ग्रामीणों के बीच अंतर्द्वंद बढ़ती जाएगी। मैं सविता, रायगढ़, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ड के लिए।